की है, मौजूदगी में जो भी हुआ है उसका सुराग हमें छुपाना है। सीन तो ये चल रहा था कि मैं एक्चुअली पवित्रा को एक पिशाचनी रेखा के अंदर बांध रही थी ताकि वो वहाँ से निकल नहीं पाए और फैमिली को सेव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी मैं शादी करने जा रही हूँ एंड ये काली दुनिया की सबसे बड़ी शादी है, इट्स अ ह्यूज इवेंट एंड आई डोंट वांट हर टू डू एनीथिंग दैट विल स्पॉइल माय मैरिज। बहुत सालों से इस चीज़ का इंतज़ार किया है मैंने। आगे तो हमारी शादी देखने मिलेगा एंड आई होप पवित्रा कुछ नहीं करे जिससे हमारी शादी ख़राब हो जाए। यही कहना चाहूँगी, देखते रहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ें आने वाली है। अभी रानी की शादी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। ऐसा सीन कर रहे थे जिसमें रॉकी जो वापस इंसान बन चुका है, बट हम रानी को नहीं बता सकते कि रॉकी वापस इंसान बन चुका है, क्योंकि अगर रानी को पता चल गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो इसलिए जब वो वापस इंसान बन गया है तो उसके फेस के मार्क्स वार्क्स सब कुछ हट गए, जो जॉम्बी वाले मार्क्स थे उसके फेस पे, तो वो मार्क्स वापस लाने के लिए पवित्रा इज ट्राइंग टू मेक मार्क्स ऑन हिज फेस, बट वो ऑब्वियसली ओरिजिनल मार्क्स रहेंगे, तो वो फेस को जो काटा जा रहा है उसके, एंड दैट्स ऑब्वियसली वेरी पेनफुल फॉर रॉकी, तो और पूरी फैमिली के लिए वो पूरा सीन बहुत पेनफुल रहा है। सो या थैंक यू सो मच पिशाची को इतना सारा प्यार देने को, थैंक यू सो मच शिखा को इतना सारा प्यार देने को, और ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए ताकि हमारे शो की TRP और बढ़ती रहे और एक्सटेंशन मिलते ही जाए हमारे शो को। सो थैंक यू सो वेरी मच। यही हो रहा है इस घेरे के अंदर, मुझसे जो भी दुश्मनी है तुम मुझ पर निकालो, मेरे परिवार को इससे दूर रखो प्लीज।